वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये, तो ये है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। तो ये VXI प्लस मॉडल है, टॉप एंड वेरिएंट। इसमें आपको 998 यानी 1000 सीसी का इंजन मिलता है विथ 3 सिलेंडर्स। देखो फ्रंट से ऐसे दिखती है गाड़ी। इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, ये हाई बीम लो बीम, और ये इसके इंडिकेटर्स। ये आपकी फ्रंट ग्रिल क्रोम में आती है इसकी ग्रिल, देखो। अगर आप इसमें अगर DRL लगाना चाहते हैं तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर दी है फॉग लैंप की, आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये साइड से देखो, ये ऐसे दिखती है गाड़ी। देखो यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है। और ये इसके टायर, इसमें आपको 13 इंच के टायर्स मिलते हैं। देखो यहाँ इसमें आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। देखो ये आपके साइड व्यू मिरर्स बॉडी कलर में ही आते हैं, पीछे आते हैं देखते हैं। ये देखो इसमें ऊपर आपको एंटीना भी मिलता है, यहाँ पर ऊपर आपको एंटीना मिलता है। पीछे से देखो ये ऐसे दिखती है गाड़ी एस्प्रेसो। ये आपके सी शेप में टेल लैंप्स मिलते हैं आपको, ये इंडिकेटर और ये रिवर्स लाइट। देखो यहाँ पर एस्प्रेसो की बैजिंग। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और ये रिवर्स कैमरा भी मिलता है। VXI प्लस वेरिएंट में ही मिलता है। इसका खोलते हैं, यह इसका बूट। इसमें आपको 270 mm की बूट स्पेस मिलती है। देखो ये पार्सल ट्रे। इसमें आपको एक स्पेयर व्हील भी मिलता है नीचे। अगर अंदर जाते हैं इसमें आपको पीछे का डोर है। इसमें आपको सिर्फ आगे ही दोनों पावर विंडोज मिलते हैं, नीचे पीछे आपको मैनुअल मिलते हैं। अंदर बैठते हैं। इसमें आपको चारों फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, फिक्स्ड हेडरेस्ट। और ये पीछे की सीट आप पूरी 100 स्प्लिट कर सकते हैं, कोई 60-40 का रेशो नहीं है इसमें। इसमें यहाँ पर एक हैंडल मिलता है यहाँ पर और आगे की तरफ भी। देखो पीछे से ऐसे दिखती है गाड़ी। ये इसका डैशबोर्ड देखो। अब चलो आप आगे बैठते दिखते हैं। अब आगे बैठते हैं। इसकी चाबी दिखाता हूँ, यह है इसकी चाबी। जैसे मारुति सुजुकी की हर गाड़ियों में आती है वैसे ही चाबी है इसकी। इसको ऑन करते हैं एक मिनट यहाँ पर। तो ये आपको ओपन डोर ओपन करने के लिए ये पूरा ब्लैक भी मिलता है, क्रोम कोई क्रोम नहीं मिलता यहाँ पर। यहाँ पर आप बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर। और यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, ये आपका बोनेट खोलने के लिए ये, और ये एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच। आपको कोई डेड पेडल यहाँ पर नहीं मिलता। ये हेडलैम्प लेवलर मिलता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर थोड़ी स्पेस दी गई है। और ये डमी स्विचेस, अगर आप कुछ लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। तो ये आपको बाहर के मिरर्स कंट्रोल करने के लिए, ये AC वेंट्स, ये पीछे का। इसमें आपको एक लाइट मिलती है यहाँ पर, ये आपका माइक हो गया। ये देखो इसमें आपको सनवाइज़र मिलता है इस साइड पे भी, कोई आपको मिरर नहीं मिलता यहाँ पर। इसमें इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं फ्रंट की तरफ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये आप कुछ स्पेस दी है कुछ रखने के लिए। ये है इसका पार्सल ट्रे, देखो ये। तो
अब आते हैं इस तरफ स्टेयरिंग की तरफ। इसमें आपको यहाँ पर इस साइड हेडलैम्प्स मिलते, हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल। आगे आपको कुछ नहीं मिलता, वो यहाँ पर मिलता है आपको। ये स्पीडोमीटर और सभी स्पीडोमीटर और ये फ्यूल की दिखाने के लिए, ये देखो यहाँ, और बाकी सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये बीच में आपको, इसमें आपको एक 7 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम भी मिलता है। देखो रिस्पॉन्स अच्छा है इसका। इस पे एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कि इसका स्पीकर कैसा है। देखो यहाँ पर साउंड बढ़ाता हूँ। तो ये थी इसकी साउंड क्वालिटी एस्प्रेसो की। इसमें सिर्फ आपको 2 ही स्पीकर मिलते हैं आगे की तरफ, पीछे कोई स्पीकर नहीं मिलता। देखो यहाँ पावर विंडोज आपको आगे की तरफ ही 2 मिलते हैं, तो उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर है देखो। और यहाँ नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। देखो ये मैनुअल है, यहाँ पर आपको यूएसबी और ऑक्स लगाने के लिए, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलती है, और यहाँ पर 2 कप होल्डर मिलते हैं। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है देखो, और यहाँ पर स्टेयरिंग पर भी कंट्रोल्स है। सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में, VXF प्लस वेरिएंट में ही ये कंट्रोल्स आते हैं यहाँ पर, मोड कंट्रोल्स करने के लिए, आवाज़ कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर फ़ोन कंट्रोल्स करने के लिए। देखो इसमें आपको रिवर्स कैमरा भी मिलता है, देखा था एक मिनट, ये देखो इसमें आपको कैमरा मिलता है, लेकिन कोई एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती है यहाँ पर। इसमें आपको देखो यहाँ पर एक हैंड ब्रेक, और यहाँ पीछे आपको एक थोड़ी एक बोतल रखने के लिए कुछ स्पेस मिलती है यहाँ पर। देखो ये इसकी सीट है, फ्रंट सीट कंफर्टेबल है। इसमें आपको बोनेट की पूरी विजिबिलिटी मिलती है, देखो यहाँ ऐसे आगे। तो ये थी आपकी पूरी मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो VXF प्लस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।